मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आंखें हैं तो जहान है, और बहुत सारे फूड्स होते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा या बुरा तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। तो आइए जानें कौन से खाने हमारे आंखों के लिए अच्छे हैं और कौन से खराब। अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स एंड विटामिंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द आईज। बहुत सारे खाने हैं जिनको अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो वो एंटी एजिंग रहते हैं और आँख की बहुत सारी एज रिलेटेड तकलीफें जैसे कि ARMD या कैटरेक्ट से आपको बचा कर रखेंगे। नंबर वन, ल्यूटिन एंड जियाजैंथिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर द आईज एंड इज वेरी कॉमनली अवेलेबल इन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, जुकनी, पीस, स्प्राउट्स एंड स्पिनच। विटामिन सी, विटामिन सी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ योर आईज, स्पेशली आपके ऊपर के सर्फेस को हेल्दी रखने में ये बहुत मददगार रहता है। प्रिवेंट्स ड्राइनेस इन द आईज एज वेल। विटामिन सी इज इजिली अवेलेबल इन मोस्ट फूड्स एंड वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, स्पिनच, टोमेटोज, जुकनी, पेपर्स, इन सब में इजिली अवेलेबल होता है। विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन। विटामिन ए बीटा कैरोटीन तो आँख के लिए सबको मालूम ही है जरूरी होता है, इसीलिए हम शुरू से अपने बच्चों को बोलते हैं हरी सब्जियाँ खाएं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन ए एंड कैरट्स एज वेल। विटामिन ई एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। Now these are also important to keep your eyes from aging. These are easily found in all kinds of oils, egg, fish, chicken, meat. In sab mein aapko vitamin E aur omega 3 fatty acids easily mil jayenge. Zinc. Zinc is a micronutrient jo hame bahut zyada quantity mein nahi khana hota hai lekin aankhon ki health ke liye zaruri hai. So zinc rich products, zinc kis mein easily milta hai? Again, non-veg products, eggs, meat, poultry and dairy products, a lot of cereals, खासकर आजकल जो breakfast में fortified cereals चल रहे हैं उनमें zinc ज़रूर होता है। So all these foods are really good for your eyes and if you keep eating them, your eyes will be strong to fight aging and a lot of diseases. Now what is bad for your eyes? इसके बिल्कुल reverse, जो जो खाना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है वही आँखों के लिए अच्छा नहीं है। Sugar rich products, जिन खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो आपकी बॉडी में शुगर इंक्रीज करते हैं, वो शरीर के लिए अभी अच्छे नहीं होते और आंखों के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। थिंग्स लाइक अ लॉट ऑफ ब्रेड्स, पास्ता, जो प्रोसेस्ड फूड रहता है, केक्स, दीज आर नॉट गुड फॉर योर आइज। हाई सोडियम डाइट, अगेन हाई सोडियम किन में होता है? पिकल्स में होता है, प्रोसेस्ड फूड्स में होता है, कैंड फूड्स में होता है। दिस One, because of the preservative is not good for your eyes. And second, high sodium से BP high होने का risk रहता है, जो again आपकी आँख के लिए harmful हो सकता है। Fried foods are very rich in saturated fats, which are not good for your body and for your eyes. They can cause cholesterol deposition inside the blood vessels of your eyes, जिसकी वजह से पर्दे में खून की नस बंद हो सकती है, block हो सकती है, और again आपकी आँख को risk रह सकता है। Aerated drinks. Yeah, soft drinks. Again, they are not very good for your eyes. Avoid them as much as possible because again, उनमें sugar products और preservatives ज़्यादा होते हैं जो कि आँख में नुकसान कर सकते हैं. So your food, what you eat, is what makes you really keeps you healthy or unhealthy. खाने पे ध्यान रखिए तो आप बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं और बहुत सारी तकलीफों को avoid कर सकते हैं.